स्वागत है यीशु मसीह के जीवित, उसकी पवित्र, उसकी सामर्थ्य, लाइफ चेंजिंग हजूरी में। हालेलुया। स्वागत है सब ब्रांचेस का, गुरदासपुर, अमृतसर, सब ब्रांचेस, लुधियाना, पटियाला, भी तो नाम याद करने। और आज बरनाला चर्च की ओपनिंग है। ओ जीसस, बरनाला चर्च आपकी स्क्रीन के सामने है। बरनाला चर्च ये फर्स्ट संडे है बरनाला का, और ये बिल्कुल नया एरिया है, और आप देख सकते हैं बरनाला चर्च। तो स्वागत है बरनाला चर्च आपका भी इस डिवाइन मिशन में, इस दर्शन में, परमेश्वर के इस बुलाहट में, जिसका मेन काम हमारा धर्म बदलना नहीं, जीवन बदलना है। यीशु मसीह नया धर्म बनाने के लिए नहीं आए। अगर वो आए होते तो हम लड़ रहे होते इस समय दूसरे लोगों से कि तुमने हमारे धर्म को ये बोल दिया और हम तुम्हारे धर्म को फिर ऐसा बोलेंगे, अब तुमने ऐसा कह दिया और हम तुमको मारेंगे, हम भी धरना देंगे। लेकिन यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, वो लाइफ चेंज करने के लिए आए। यीशु मसीह बहुत बड़े हैं, वो इन धर्म जात के चीजों से बहुत ऊपर है, वो परमेश्वर है, तो उसे बड़ा रखना है, छोटा नहीं करना। वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान, स्वर्ग का एक मात्र द्वार। तारीफ करो जीसस के लिए जोर से, अपने घुटनों के बल आओ, अपनी बाइबल को उठाओ। है बाइबल आपके पास? कामरा चर्च बढ़ती जा रही, लास्ट तक देखना, एक दूरबीन दो मेरे को, उठाओ बाइबल अपने हाथ में, घुटनों के भार बैठ जाओ, बोलो आज का वचन मेरे लिए है, मैं इसे सुनूंगा और 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। ये वचन मेरे लिए अभिषिक्त है, ये मेरे लिए पवित्र आत्मा ने दिया है, मैं इसे सुनूंगा और सेम नहीं रहूंगा, सेम नहीं रहूंगी। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के, अपनी बाइबल को अपने हाथ में उठा के। तारीफ करो जोर से, अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरे लिए है आज। अंगीकार करो, अंगीकार करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, हालेलुया। आपका जन्म ही इसलिए हुआ कि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें। पहली बात, आप उसके साथ सहभागिता रख सकें और उसके महिमा कर सके। लाइफ इज ए स्ट्रगल, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं। जिंदगी उनके लिए संघर्ष है जो अपनी बुलाहट से भटक चुके हैं, जिनको मालूम नहीं कि मुझे क्या करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए और अपने साथ संगति रखने के लिए बुलाया, बनाया भी और बुलाया भी। आमीन। और परमेश्वर ने कहा था आदम मेरे साथ संगति रखेगा और दुनिया के सारे सुख जो हैं वो आदम के पीछे पड़ के इसको मिलेंगे। आज इंसान अपने बिजनेस में, अपने काम में, अपने जो दुनिया के अफेयर्स हैं उनमें इतना बिजी है, वो अपना मेजर काम करना भूल गया, जिस काम के लिए एक्चुअली वो पैदा हुआ था वो भूल गया। और इसीलिए उसे लगता है लाइफ इज ए स्ट्रगल, मैरिज इज ए स्ट्रगल, फाइनेंस इज ए स्ट्रगल, जॉब इज ए स्ट्रगल, बिजनेस इज ए स्ट्रगल। उसको कुछ भी पूछ लो उसके लिए सब स्ट्रगल है, सब मुश्किल है, सब दुखी करने वाला काम है।
उसके बच्चे भी उसको दुख दे रहे हैं, उसका पति भी उसको दुख दे रहा है, उसका उसका फाइनेंस भी उसको दुख दे रहा है, उसकी जॉब भी उसको दुख दे रही, क्योंकि वो मेन काम करना जो उसका था वो भूल चुका है। आपको होमवर्क दिया जाता है जब आप बच्चे होते हैं, और जब होमवर्क आप नहीं करते तो आपका टीचर आपको मारता है, आपको करेक्ट करता है, आपको जीरो देता है, आपको डांटता है, हाँ या ना? अगर आप परमेश्वर के स्टूडेंट हैं, उसके बच्चे हैं, उसके बनाए और बुलाए गए हैं, तो आप जो भी क्यों नहीं हो, आप रिक्शा वाला से लेके आप राजा की पदवी तक हो सकते हैं, हर एक बंदे के लिए परमेश्वर ने एक होमवर्क ठहराया है, एक काम ठहराया है। और जब आप उस काम को कर लेते हैं, तब परमेश्वर का वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है कि जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। ये व्यक्ति एक बैठा हुआ फाइनेंस में अच्छा हो सकता है, लेकिन वो अपनी अपनी बॉडी में संघर्ष कर रहा है। एक बॉडी में अच्छा है लेकिन अपनी फाइनेंस में संघर्ष कर रहा है। एक का फाइनेंस भी अच्छा है, सेहत भी अच्छी है, लेकिन अपने परिवार में संघर्ष कर रहा है। परमेश्वर ने कहा बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इलाज एक ही है। अगर तू मेरे दिए हुए होमवर्क को पूरा करेगा, मेरे दिए काम को पूरा करेगा, तो दुनिया के सारे सुख तुझे पीछे पड़ के मिलेंगे। आमीन। अब पाप में रह के आप उसके होमवर्क को पूरा कर सकते हैं क्या? आपको होमवर्क पूरा करने के लिए परमेश्वर तरीके भी देगा, वो आपको सिखाएगा भी कि आपने होमवर्क को पूरा कैसे करना है। एक टीचर जब बच्चे को होमवर्क देता है, काम देता है करने के लिए, वो पहले उसको सिखाता है कि बेटा ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, गिनती ऐसे करनी है, छोटी ए बी सी ऐसे लिखनी है। पहले वो उसको सिखाता है और फिर बोलता है अब घर से करके आना। आमीन। वैसे ही परमेश्वर भी जब आपको होमवर्क देता है, वो आपको सिखाता भी है, वो आपको समझाता भी है कि अपने होमवर्क को, अपने काम को, अपनी बुलाहट को जो मैंने तुम्हें दी है, उसे कैसे पूरा करना है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं प्रचार करूंगा तो परमेश्वर का फायदा है, इसमें परमेश्वर के किंगडम का फायदा है। ऐसा नहीं है, ये आपका होमवर्क है उसकी महिमा करनी, इसमें आपका फायदा है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो परमेश्वर से परमेश्वर करवा ही लेगा किसी ना किसी से, लेकिन आपकी बरकत रुक जाएगी। जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वो प्रोफेसी, वो योजना परमेश्वर की ऐसे लटकी रह जाएगी और कभी भी पूरी नहीं होगी। जो कुछ परमेश्वर के दिल में है आप लोगों के लिए, उसे पूरा करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक परमेश्वर की इच्छा उसे पूरा करने के लिए जो कि है, और दूसरा आपका किया हुआ कर्म, आपका परमेश्वर के सामने आगे बढ़ना, आपका परमेश्वर को अपने सम्मुख रखते हुए, आगे रखते हुए उस योजना, उस बुलाहट, उस पवित्रताई के अनुसार चलते रहना, ताकि परमेश्वर के दिल और दिमाग में आपके लिए जो कुछ है वो आपके सामने धरती पर आ सके। आमीन। अब आपको यह मालूम है कि परमेश्वर ने आपको होमवर्क करने, आपको होमवर्क दिया है, उसकी महिमा करने का होमवर्क, उसका प्रचार करने का होमवर्क, कि जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, शुरू से लेकर अंत तक जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ये क्या है? आपका होमवर्क। उसने कहा तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। ये क्या है? तुम्हारा होमवर्क। उसने कहा अपने शरीरों को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के सामने पवित्र करके चढ़ा दो। ये ही तुम्हारा क्या है? होमवर्क। उसने कहा कोई पवित्रताई के बिना परमेश्वर को नहीं देखेगा। मैं पवित्र हूं, तेरा बुलाने वाला पवित्र, तू पवित्र बन। ये क्या है? तेरा होमवर्क। जब मुझे परमेश्वर का एक काम मिला, अब मुझे उस काम को अच्छी रीति के साथ पूरा करना है, ताकि परमेश्वर मुझे गुड दे सके, वो मुझे ब्लेस कर सके, ताकि मेरी लाइफ में संघर्ष ना रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा जुआ भारी है, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हारा जुआ क्या है? भारी है। मेरा जुआ सहज है, परमेश्वर ने कहा। मेरा जुआ, मेरा भार, मेरी सेवा सहज है और हल्की है। तुम अपना जुआ मुझे दे दो, मेरा जुआ तुम ले लो और मुझसे सीखो, और तुम अपने मन में विश्राम पाओ, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। लोग बोलते शैतान हमें तंग करते हैं। वो उन लोगों को तंग करता है जो होमवर्क से बाहर है, जो होमवर्क के अंदर है वो उनको तंग नहीं करता, वो उनकी बात को उसको सुनना पड़ता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को और उसकी सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति वचन से बाहर है, होमवर्क से बाहर है, भटके हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये चीजें नहीं कहता।
इफिसियों 6 उसके 11 से 18 आयत। उसको पढ़ेंगे अपनी स्क्रिप्ट। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। अगर आप परमेश्वर का होमवर्क करेंगे तो शैतान आपके आपका आपका विरोध करेगा। वो आपके सामने आपका आपकी खिलाफत करेगा, आपके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, आपको परमेश्वर में रोकने की कोशिश करेगा। उसको ये बात मालूम है कि जिस दिन आपने परमेश्वर का काम करना शुरू किया, जिस दिन आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, जिस दिन आपने होमवर्क करना शुरू किया, वो उसके उसका प्रभाव आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। आपके फाइनेंस से, आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से, आपके सेहत से, आपके दिमाग से, आपके आपकी फैमिली, हर एक चीज से जो आपके साथ जुड़ी हुई है, उस पे परमेश्वर की बरकत आएगी। शैतान ये बात जानते हैं। और अगर परमेश्वर ने आपको होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को पूरा करने के लिए वो सारे हथियार, वो सारी पेंसिल्स, वो सारे सभी तरह की सारे इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री के सभी तरह के जो बच्चों को मिलते हैं, वो आपको भी सारे हथियार देगा ताकि आप अपने होमवर्क को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के सामने, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये युद्ध मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। हमारे परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, सच्चाई से क्या करनी है अपनी, और मैंने आपको बताया कमर आपकी क्या है, आपकी बुद्धि। क्योंकि पत्रस में परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी अपनी बुद्धि की कमर क्या कर लो, किससे कसने, सच्चाई से। सच्चाई कौन है, परमेश्वर का वर्ड। उसने कहा लिखे हुए वचन से अपनी बुद्धि की कमर क्या कर लो, कस लो। क्योंकि शैतान जब परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास, और बोला कि इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं, अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो, परमेश्वर ने बहस नहीं की। शैतान, आज से 40 दिन पहले मेरे लिए एक आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मैं इससे बड़ा प्रसन्न हूं, तू मुझे कैसे कह सकता है कि मैं परमेश्वर का अगर बेटा हूं, मैं तो हूं बेटा। लेकिन परमेश्वर ने उससे बहस करने की बजाय लिखा है कि शैतान लिखा है इंसान अकेली रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जिंदा रहेगा। एक पास्टर को शैतान ने भरमा दिया, उसने कहा तेरे वचन, पिता के वचन में लिखा हुआ है कि तू जहरीली वस्तुएं पी जाएगा, तेरी कुछ हानि नहीं होगी। जब सांप को पकड़ के दिखा, मैं देखूं वचन सच्चा है। उसने सांप को पकड़ा, सांप ने डंक मारा, वही मर गया पास्टर। यीशु मसीह को भी ऐसे ही बोला शैतान ने कि तेरे पिता के वचन में लिखा, अपने आप को इसके नीचे गिरा दे, इस पहाड़ से तेरे दूध तेरे पांव में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। यीशु मसीह को वचन मालूम था कि शैतान मुझसे गेम खेल रहा है। उसने अपनी कमर को सच्चाई से क्या किया हुआ था, कसा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा शैतान ये लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हजारों केस हैं ऐसे रिटर्न पुलिस में, जहां पर लोगों को जहर दिया गया, उनकी मौत नहीं हुई क्योंकि वो उन्होंने खुद नहीं खाया, किसी ने गेम खेली। और परमेश्वर गेम से आपको बचाते हैं। लेकिन अगर आप शैतान के सामने जानबूझ के खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन को परखेंगे, तो यह वचन का तोड़ना होगा कि तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। पौलुस के हाथ में एक सांप ने काट लिया और लोगों को मालूम था कि यह सांप जिसने काटा यह बहुत जहरीला सांप है। पौलुस का शरीर अभी सूज जाएगा, यह अभी मर जाएगा। लेकिन जब पौलुस को कुछ नहीं हुआ तो बाइबल कहती उसने कहा देवता हमारे घर में, हमारे स्थान में आ गए। उनको मालूम नहीं था कि जीवित परमेश्वर कौन है। उन्हें मालूम है कि पौलुस परमेश्वर का दास है। और पौलुस इसीलिए नहीं कि वो सांप से खेल रहा था, लेकिन वो सिर्फ आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था और वहां एक सांप ने उसको काट लिया था और पौलुस को कुछ नहीं हुआ, एक % भी नहीं हुआ। सत्य से क्या करना है, अपनी कमर को कस के रखना है। जब शैतान आपसे क्वेश्चन करने के लिए आएगा, जब वो देखेगा कि आप अपने होमवर्क को कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे सवाल करेगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वचन से आपकी कमर कसी होगी तो वो भरमा नहीं पाएगा। धार्मिकता से अपनी धार्मिकता से क्या कर, धार्मिकता की झिलम पहन। ये हार्ट पर पहनी जाती थी, झिलम जो है वो दिल के सामने, छाती के सामने पहनी जाती थी। अपने दिल को क्या कर, सुरक्षित रख। जो वचन तेरे दिमाग में है उसे अपने दिल में लेके आ,
उसको मनन कर, दिन और रात उसकी व्यवस्था पे बाइबल कहती ध्यान दे और उसे दिल में संभाल के रख, आगे बढ़ेंगे। अपने पांव में मेल के सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहन, ये सारे हथियार हैं। ये सारे क्या हैं? उसने कहा अपने पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन। इसका मतलब जब आप सुसमाचार के जूते पहनते हैं, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार लाते हैं। हां, जब आप जूते पहनते हैं सुसमाचार की तैयारी के और लोगों को प्रचार करना शुरू करते हैं, एक्चुअली में ये आपके फेवर में काम करता है और ये शैतान के खिलाफ एक हथियार है। लोगों को ये बात मोस्टली 99% लोगों को बात ये नहीं मालूम। जिस चीज में शैतान आपको भरमा रहा है, उस चीज के खिलाफ अगर आप प्रीच करें आप बच जाएंगे। बड़ी गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, जिस चीज के खिलाफ शैतान आपको भरमा रहा है अगर उसी चीज के खिलाफ आप प्रीच करें आप बच जाएंगे। प्रीचिंग करना, टीचिंग करना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना क्या है? एक, ये सिंपल ड्यूटी नहीं है, ये एक हथियार है। ये उसी शैतान के खिलाफ हथियार है जिसने आपको बांधा हुआ था, जिसने आपके फाइनेंस को पकड़ा हुआ था, जिसने आपकी बॉडी को पकड़ा हुआ था, जिसने आपके दिल को, दिमाग को, आपके फैमिली को पकड़ा हुआ था। ये उसके खिलाफ बाइबल कहती है एक हथियार है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना, शैतान का सामना कर सको। तो परमेश्वर आगे हथियारों के बारे में क्या कहता है कि वचन पढ़ो, दिल पे रखो, मनन करो और सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनो, यानी जो तुम सुनते हो, जो दिल में है उसे बोलो, उसे प्रीच करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप प्रीच करेंगे जब आप, इसलिए मैंने कहा चर्च में कोई भी जना विश्वासी नहीं होना चाहिए, सब इवेंजलिस्ट होने चाहिए। ये इवेंजलिस्ट लोगों की चर्च होनी चाहिए, प्रीचर लोगों की चर्च होनी चाहिए। हर बंदे का नाम सुसमाचार टीम के अंदर होना चाहिए। आप बड़े हैं, आप ऑफिसर्स हैं, आप छोटे हैं, आप लड़की हैं, आप लड़का हैं, आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, हर बंदा। एक पास्टर अच्छा टीचर नहीं है तो उसकी चर्च सिर्फ हीलिंग तक ही सीमित रह जाती, उसके आगे कभी नहीं बढ़ पाती, ना ही अपनी सालवेशन को वो कंटिन्यू कर पाती है। क्योंकि एक अच्छा टीचर आपको बता सकता है कि आप हीलिंग लेने के बाद, डिलीवरेंस लेने के बाद, इस चर्च में मिरेकल्स की कमी नहीं। आमीन। पागल से लेके कैंसर से हर तरह की टेस्टिमनी आपको मिलेगी, लेकिन उसके बाद क्या? जब टेस्टिमनी आपने ले ली, उसके बाद आपको डीप वर्ड चाहिए, आपको वचन चाहिए, जिससे आपको मालूम होता रहे कि अब आगे मेरी जिंदगी में मुझे क्या करना है। आमीन। जब आप प्रीच करते हैं, बाइबल कहती है ये एक हथियार बन जाता है आपकी लाइफ के लिए। जब आप प्रीच करते हैं, ये एक हथियार है शैतान के, वही शैतान के खिलाफ जिसने आपकी सेहत को पकड़ा हुआ है। ये वही हथियार है जिसने आपके बेटे को पकड़ा हुआ है, उसे नशे करवाता है। ये वही हथियार उस शैतान के खिलाफ है। आमीन। और जब आप इस वचन को मैच करेंगे, आप देखेंगे कि सब तरफ वो एक दूसरे के साथ लिंक हो रहा है कि मैं अपने याजकों को क्या दूंगा? उत्तम दूंगा, उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम जीवन दूंगा। और जो प्रीच करते हैं नए नियम के मुताबिक, वो याजक हैं, वो राजा हैं। आमीन। आप जब प्रीच करते हैं, शैतान आपकी लाइफ से जाता है और ऑटोमेटिकली जो चीजें उसने पकड़ी हुई वो लूज होती, आपको बेस्ट मिलना शुरू होता है। आप जब प्रीच करना शुरू करेंगे, जो बच्चा आपका नहीं सुधर रहा वो सुधर जाएगा, जो बेटी नहीं सुधर रही वो सुधर जाएगी। आप प्रीच करते रहेंगे, प्रीच करते रहेंगे, प्रीच करते रहेंगे, जो काम नहीं हो रहा वो हो जाएगा। आम विश्वासी को एक टेस्टिमनी लेना मुश्किल हो सकता है, कई बार लेट हो सकता है, लेकिन जो प्रीच करने वाले विश्वासी, इवेंजलिस्ट लोग हैं, काम करने वाले विश्वासी हैं, उनके लिए अपनी गवाही लेना आसान है, हजार गुना आसान है, क्योंकि उनकी जिंदगी परमेश्वर के लिए खड़ी, उनकी लाइफ परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। वो पढ़ने जाएं तब भी प्रीच करेंगे, जब प्रीच करेंगे तो सुधरे भी रहेंगे। ऐसे तो है नहीं कि प्रीच करेंगे और खुद बिगड़ जाएंगे, तो वो प्रीचिंग किसी काम की नहीं। और वही प्रीचिंग आपकी सुधर में मदद और सहायता करती, आपको मेंटेन स्पिरिचुअली लाइफ रखने में मदद और सहायता करती, और उसी कारण से आपकी लाइफ में चारों तरफ से जो स्थिरता है, जो बैलेंस है, वो आना शुरू होता है, अनॉइंटिंग आनी शुरू होती। आमीन। पहला कुरिन्थियों 2
और पहला कुरंथिया 4 एक एक करके वचन को पढ़ेंगे। पौलुस कहता, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। पहला कुरंथिया 4 उसके 19-20, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। पिछली आयत फिर से पढ़ेंगे। पौलुस कहता, मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमेन। यीशु मसीह अब कहते हैं कि तुमने प्रीच तो करना है पर सिर्फ शब्दों से नहीं। तुमने प्रीच करना है सिर्फ शब्दों से नहीं करना। कहता, मेरे प्रीच में आत्मा और सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। जब मैं प्रीच करने के लिए कहता आया तो मेरे पास ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं थी पर आत्मा और सामर्थ का क्या था? प्रमाण था। एक पागल व्यक्ति को और उसके परिवार को जब वो आपके पास आए, क्या आप उसे ज्ञान की लुभावने वाली बातें सुनाएंगे तो वो हील हो जाएगा, या उसे आत्मा और सामर्थ का कुछ प्रमाण चाहिए वो हील हो जाएगा? और यही गलती चर्चिस कर रही, यही गलतियां विश्वासी लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब वो प्रीच कर भी करते भी हैं तो उनके प्रचार में अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण नहीं मिलता। कुछ बच्चे होते हैं होमवर्क कर भी लेते हैं, एक आधी लाइन छोड़ देते हैं, राइटिंग गंदी कर देते हैं, कभी भूल जाते हैं, कभी कर लेते हैं, ये वो वाले बच्चे हैं। पौलुस कहता, जब मैं आऊंगा, अगला वचन, तो मैं बातों को नहीं उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं किसमें है? सामर्थ। उसका राज्य किसमें है? बोलो अपने पड़ोसी को। पौलुस कहता, परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ में है, अनॉइंटिंग में है। कि जब तुम अपना होमवर्क करो तो मेक श्योर तुम्हारा प्रचार में सामर्थ हो। जब पौलुस प्रचार करने लगा तो उसके प्रचार में पहले ही हीलिंग नहीं शुरू हुई, पहले ही लंगड़े नहीं चले, लेकिन उसके प्रचार में सामर्थ थी। जब वो बोलता था तो सामर्थ के साथ बोलता था। परमेश्वर ने कहा, अभिषेक के कारण तेरा जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आता है तो जुआ क्या हो जाता है? टूट जाता है। बंधन क्या होता है? टूट जाता है। जब तक जुआ आपके सिर पे रहता है आप ऊपर नहीं देख सकते, आप फ्री नहीं देख सकते। देखिए ना, पट्टे वाली जनानी जो पट्टे लेकर, वो कैसे बात करती? वो ऊपर नहीं देख सकती, वो ऐसे ऐसे, और बहन जी कितना ठीक हो, मैं आनी है बस, हाँ नाले आंख टेढ़ी करी जानी, इतना ही गल करी जानी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, वो ऊपर नहीं देख सकती। जिस तरह आप कई लोग फाइनेंशियली ऊपर नहीं देख सकते, आपको मालूम है यही मेरा लेवल है। आप स्पिरिचुअली ऊपर नहीं देख सकते, परिवार में ऊपर नहीं देख सकते, सेहत में ज्यादा छलांग नहीं मार सकते, मैं यहां नहीं जा सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकती। ये बंधन के निशानियां हैं। और परमेश्वर ने कहा, अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ ब्रेक कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। और पौलुस भी कहता है जब होमवर्क करो, जब तुम प्रीच करो तो सामर्थ के साथ करो। सामर्थ को पाने की इच्छा रखो अपनी लाइफ में, सामर्थ के लिए प्यासे रहो, सामर्थ के लिए प्रार्थना करो, सामर्थ के लिए गैर भाषाएं बोलो, सामर्थ को रिसीव करो। इसीलिए जब तुम चर्च जाओ तो उस चर्च में नहीं जाना जो घर के नजदीक है, उस चर्च में जाना जो जीवित है, चाहे वो नजदीक हो चाहे वो दूर हो। तुम्हें अपनी चर्च जाने के लिए चाहे 200 किलोमीटर क्यों ना चल के जाना पड़े, सुबह क्यों ना निकलना पड़े घर से बाइक में, कार में 200 किराया क्यों ना लगाना पड़े, पर उसी चर्च में जाना जहां पावर हो, सामर्थ हो, ताकि तुम उस पावर को रिसीव कर सको और सेम तुम्हारी लाइफ में काम हो सके। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आप लोगों को खुश करने के चक्कर में कि मेरा फलाना नाराज ना हो जाए, मेरा विश्वासी भाई नाराज ना हो जाए, ये ठंडी चर्च में जाता तो मुझे भी इसके साथ जाना पड़ता है। कहता, इस चक्कर में तुम्हारा होमवर्क रह जाएगा। जब होमवर्क रह जाएगा तो उसका सारा असर तुम्हारी लाइफ पे होगा, और तुम्हारी लाइफ के लिए परमेश्वर बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। वो चाहता है तुम्हारी लाइफ ब्लेस हो, वो चाहता है कि तुम्हारी लाइफ इस तरह की हो कि जब लोग तुम्हें देखें तो बोले, वाओ, इसे परमेश्वर ने ब्लेस किया है, इसे परमेश्वर ने आशीषित किया है, देखो इसका परिवार। चाहे वो अभी टाइम नहीं आए लेकिन आएगा इन जीसस ने। मैंने कहा, वो टाइम आएगा इन जीसस ने। हालेलुया।
तुमको पकड़ के रखना होगा, अपनी बुलाहट करो, आगे चलना होगा। आमीन। हमें लोगों की शक्ल नहीं देखनी, हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं बुलाए गए, हमें परमेश्वर का काम देखना है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है, अपनी बुलाहट को, अपने डिवाइन, अपने ईश्वरीय होमवर्क को देखना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। एक स्टोरी जो मैंने थर्सडे बताई, मैं फिर बताना चाहता हूं। मैं इंडिया के बाहर था अभी सोम मंगलवार, तो एक जब वापिस में आए तो जाने से पहले एक व्यक्ति हमें मिला, उसने कहा कि ये हमारे परिवार में प्रॉब्लम है, ये ऐसा ऐसा चल रहा है। उसने कहा ठीक है, प्रेयर करेंगे। वापसी में आए तो हमारा लगेज थोड़ा टाइम ले रहा था, तो हम एक ऑफिसर के वहीं रूम में बैठे थे एयरपोर्ट में, और एक वही इम्प्लॉय आया और बोला, उस अफसर को बोला जी, उसकी भाषा में, उसके धर्म के अनुसार उसको ग्रीटिंग दी उसने, है वो क्रिश्चियन। तो हम तभी समझ गए थे कि तेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि तू अपने होमवर्क को पूरा नहीं कर रहा या कर रही। हाँ, तू चाहे कोई भी हो, मेरे सामने कोई भी हो, लेकिन मेरे मुंह से जय मसीह की निकलना चाहिए। अगर इस बात से दूसरा विरोध करता है और गुस्सा करता है और चिढ़ता है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। लेकिन आप दूसरी ग्रीटिंग को बोल रहे हैं और आपको मतलब नहीं मालूम कि वो ग्रीटिंग बोलने से ही आपकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे की ऐसे हो सकती। तेरे मुंह में जिंदगी, तेरे मुंह में काहे का डर है तुम्हें? उस नौकरी का डर है जो घर में बीमारियां पल रही, जो घर में मुसीबतें पल रही, जो कर्ज काम कर रहे हैं, वो लेना चाहते हो साथ साथ, तो लो लो, फिर प्रार्थना करवाने की क्या जरूरत है तुमको? बहुत कम हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो एक सेकंड में मालूम होता है कहां कितने पेज फंसे हैं। तुम्हारा होमवर्क है, तुम जहां भी हो, जॉब में हो, तुम बॉस हो, तुम एम्प्लॉई हो, तुम बिजनेसमैन हो, तुम कहां भी हो, किधर भी हो, तुम्हारा काम है अपने होमवर्क को पूरा करना, जो है परमेश्वर की महिमा करना, अपने मुंह से, अपने कर्मों से, अपने चलने से, अपने बोलने से। आज कोई एक सेकंड के लिए नाराज हो सकता है, लेकिन मैं आपको दावा करता हूं वही बंदा आप पे फेवर भी करेगा जब आप अपने परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो। आमीन। उसने कहा मेरे प्रचार में सामर्थ का प्रमाण था। अनॉइंटिंग में जब आप प्रीच करेंगे, अभिषेक पाएंगे और प्रीच करेंगे, यह हथियार बन जाएगा शैतान के खिलाफ। आप प्रीच तो किसी और की लाइफ में करेंगे, लेकिन असर आपकी अपनी लाइफ में हो रहा होगा। आप प्रीच तो किसी के बच्चे की लाइफ में कर रहे होंगे, लेकिन हील और डिलीवर आपका अपना बच्चा हो रहा होगा। आप प्रीच तो किसी की गर्भ में कर रहे होंगे, लेकिन कोई एक हेल्पर आपको ढूंढ रहा होगा आपकी हेल्प करने के लिए। आप प्रीच तो किसी को कर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर रास्ते पीछे से आपके खोल रहा होगा। और हर एक वे ओपन हो यीशु मसीह के नाम में, हर एक रास्ता ओपन हो जो आपके लाइफ में बंद है यीशु मसीह के नाम में। जो इस वचन को कबूल कर रहे हैं, हर एक वे जो बंद है वो ओपन हो, जो शैतान ने खोले वो बंद हो। आमीन। चाहिए ब्लेसिंग तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। उसके प्रचार में कदम में लुभाने वाली बातें नहीं थी, सामर्थ का प्रमाण था। शैतान सामर्थ की भाषा को समझता है। आमीन। वो भाषा समझता है सामर्थ। फिर से बोलो अपने पड़ोसियों को, अपना होमवर्क पूरा कर, प्रचार कर, सामर्थ के साथ कर। आमीन। आप देखेंगे फिर जो प्रीच आप दूसरों को कर रहे हैं वो आपकी अपनी लाइफ में पूरा हो रहा है। मेरा मानना यह है कि जब तक आप उस वचन का प्रचार नहीं करते जो आपके दिल में है, एक्चुअली में आप उस वचन पे अभी यकीन नहीं करते, इसीलिए आप उसका प्रचार नहीं करते। अगर आप वचन का प्रचार करते हैं, इसका मतलब ये होता है आपने जो दिमाग में और दिल में रखा है उस पर यकीन कर लिया है। आपको पूरा यकीन है जो मैं बोल रहा हूं वो सच है। जब तक आप उसे प्रीच नहीं करते, इसका मतलब आपको अभी यकीन नहीं है, आप अभी वेट कर रहे हैं किसी चीज की। और बाइबल कहती है जितना लेट हम हथियार उठाएंगे उतनी ही लेट शैतान भागेगा, उतनी ही लेट जीवन की चीजें सीधी होंगी। अब ये आपके ऊपर है आपने क्या करना है। जहां मोहल्ले में हो वहां प्रीच करो, अगर स्कूल में हो वहां करो, कॉलेज में हो वहां करो, जॉब में हो वहां करो, बिजनेस में हो वहां करो, प्लेन में जा रहे हो वहां करो। मेक श्योर आप अपने हथियार को यूज करते रहें और शैतान आपकी लाइफ से शर्मिंदा होता रहे। उसने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ में है।
जब लोग सामर्थ को देखते हैं, जब लोग लंगड़ों को चलता हुआ देखते हैं, जब लोग पागलों को हील होता हुआ, अंधों को देखता हुआ, बहरों को सुनता हुआ देखते हैं, वो देखते हैं ऑपरेट के लिए बुक था, मशीनें लगी और सुन रहे हैं, जब वो देखते हैं सामर्थ के प्रमाणों को, यकीन करते हैं परमेश्वर जीवित। यीशु मसीह ने कहा जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे कदापि विश्वास नहीं करेंगे। अपनी लाइफ का एक नियम बनाओ कि जो काम परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया है मैं वो करूंगा। आमेन। उसने अपनी महिमा करने के लिए बुलाया, मैं करूंगा। उसने मुझे जो होमवर्क दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। जो प्रीच करने के लिए बोला है मैं उसे करूंगा। सामर्थ के साथ मैं करूंगा, प्रमाण के साथ मैं करूंगा। अपनी लाइफ को परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान चढ़ा के मैं करूंगा। लाइफ सोने से भी अधिक कीमती, चमकदार, शाइनिंग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, आप देखेंगे। आमेन। ऐसा होगा आपकी लाइफ में। मैंने कहा ऐसा होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। मैंने विश्वासियों को देखा है चोरी करते हुए, ठेका लिया वहां चोरी कर ली, जॉब की वहां चोरी कर ली। आप अपने होमवर्क को नहीं समझ रहे हैं। आप अपने होमवर्क को अगर समझ जाते तो आप समझ जाते कि शैतान आपको रोक रहा है। उसे दिख रहा है कि आपके लाइफ में आगे क्या आ रहा है। उसे दिख रहा है, पूरा तो नहीं दिख रहा, लेकिन शैतान को मालूम है कि इसकी लाइफ में कुछ हो रहा है। जो परमेश्वर के दिल में है, जो उसके हार्ट में है, उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको रियलिटी में लेके आने के लिए। इसहाक को मालूम था परमेश्वर के दिल में क्या है, क्योंकि उसने अब्राहम को बोला था कि मैं तेरे वंश को आशीष का मूल बनाऊंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, तेरे वंश को अनगिनत करूंगा। उसे मालूम था कि मेरे बच्चा होगा, लेकिन क्यों 20 साल से अब तक नहीं हुआ। जो परमेश्वर के दिल में है, जो उसने बोला था मेरे बाप अब्राहम को, इसहाक ने के बाप को, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। बाइबल कहती इसहाक फिर शाम के समय मैदान में वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। धार्मिकता की क्या पहन, ये वही झेलम के बारे में बात कर रहा हूं कि वचन जो दिमाग में है उसको दिल में उतारना, उस पर मनन करना, उसको कन्फेस करना, उसको अंगीकार करना। उसे मालूम था जो कुछ परमेश्वर के दिल में है उसे धरती पर उतारने के लिए मुझे दिल में वचन रखकर परमेश्वर के होमवर्क को पूरा करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। आप वेट करते रहेंगे अपने बच्चे के सुधरने की, आप वेट करते रहेंगे 10 साल वेट करते रहेंगे। आप घर से निकल जाएंगे दूसरों को, बच्चे को बचाने के लिए, सडनली आपके घर में एक साल्वेशन की वेव उठेगी, एक नदी, एक लहर उठेगी। ऐसा होगा। इसीलिए तो लोग चर्चेस में इंतजार करते करते थक जाते हैं, उसके बाद चर्च जाना बंद कर देते हैं, फिर संडे संडे, चौथे संडे, तीसरे संडे, और उसके बाद क्रिसमस और ईस्टर, बस फिर लंगर भी खाते हैं, फिर सब कुछ खाते हैं, फिर सारा काम भी दूसरा भी करते हैं और बोलते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हाँ हाँ चर्च जाते हैं। तुम समझे ही नहीं परमेश्वर की लाइन को, तुम अच्छी तरह से तुमने पहना ही नहीं, तुम पूरी तरह से घुसे ही नहीं। जो परमेश्वर ने तुम्हें सूट दिया ना, तुमने पूरी तरह से डाला ही नहीं, तुमने एक बाजू डाल ली बस, वो कहा फिट नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तुमने डाला ही नहीं पूरा, कंप्लीट किया ही नहीं तुमने, तुम डर गए कंप्लीट नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं थी कंप्लीट नहीं किया। कंप्लीट करो, तुम्हारी महिमा उसी में है, तुम्हारे परिवार की महिमा उसी में है, तुम्हारे फाइनेंस की महिमा उसी में है। आप पूरा सूट डालेंगे तो अच्छा लगेगा। उसने आपके लिए वो फिट बनाया है, वो सूट बनाया है, वो लाइफ बनाई है, पहन लो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी ये चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर का काम कर, उसका प्रचार कर, वो तुझे उत्तम देने के लिए तैयार है। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के रास्तों पर उसके वचनों के मुताबिक चलाते हुए सामर्थ में परमेश्वर का प्रचार कर। ये तेरे लिए एक हथियार है जो शैतान के खिलाफ चलेगा। जब शैतान जाएगा रास्ते खुलेंगे, आशीष आएगी, गवाहियां बनेगी, तो ऊंचा ऊंची होगी। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपके चर्च यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। आपके सामने चुनौतियां होंगी कि आप अपनी लाइफ में इस मुसीबत के बावजूद भी क्या प्रचार करना चाहते हैं। क्या आप अपनी लाइफ में ये चुनौती है कि अब आप वेट करना चाहते हैं कि ये चुनौती सॉल्व हो जाए उसके बाद मैं प्रीच करूं, या आप प्रीच करना चाहते हैं। सुनो, हथियार हथियार है, वो चलाने की भाषा समझता है,
आप बोले अभी मैं कमजोर हूं, थोड़ा मोटा हो जाऊं फिर तलवार पकड़ के चलाऊंगा, तब तक तलवार चलेगी कि पड़ी रहेगी? पड़ी रहेगी। जब तक वो पड़ी रहेगी दुश्मन जिंदा रहेगा। और हमारी लड़ाई किसके साथ है? किसी आदमी के साथ नहीं, किसके साथ? शैतान के साथ। जब तक आप वेट करेंगे कि मेरा कोई हल हो जाए, इधर से कुछ गवाही बन जाए, तब मैं प्रीच करूंगा, जब तक आप नहीं करेंगे वो शैतान वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अगर आप कहेंगे कि मैं प्रभु के वचन को पहले चलाऊंगा, करूंगा, देखी जाएगी, आप तैयार होंगे गवाही के लिए। बाइबल कहती है वो औरत जो अन्य जाति की थी, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, इंग्लिश की बाइबल में लिखा शी केम एंड वर्शिप, कि जीसस को उसने, हिंदी में लिखा प्रणाम किया, इंग्लिश में लिखा वर्शिप किया। पहले वर्शिप किया कि बाद में वर्शिप किया? और परमेश्वर ने मना कर दिया कि मैं हीलिंग नहीं करूंगा, लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ इज़राइल के पास अभी भेजा गया हूं, अभी अन्य जातियों का समय नहीं आया जब तक मैं जी ना उठूंगा। पर वो औरत कहती कुत्ते भी वही चूर चार खाते, तेरी बालकों की मेज से गिरता है। वर्शिप, उसने पहले वर्शिप की, पहले फेथ दिखाया, और उसे छीनना पड़ा यीशु मसीह से जो वो चाहती थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर वो चली जाती तो परमेश्वर को क्या जाता? कुछ नहीं। आप चर्च में आए, चर्च से चले जाएंगे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बुद्धि से, आपको आत्मिक समझ से, आपको आत्मिक लड़ाई से परमेश्वर से लेना होगा जो आप चाहते हैं, और वो देगा। मैं आपको प्रोफेटिक दे रहा हूं, वो देगा जो आप चाहते हैं। आमेन। आपका टारगेट आत्मिक होना चाहिए। आमेन। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आत्मिक होना चाहिए। एक लड़की फास्टिंग करती थी, 40-40 फास्टिंग, कि मेरी फलाने लड़के के साथ शादी हो जाए। करैक्टरलेस नहीं थी, बट ये चीज परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। और जब फास्टिंग खत्म हुई उसकी 3-4 साल 5 साल में, उसकी सुंदरता 70% कम हो चुकी थी। कारण क्या? उसने शरीर के लिए, शरीर की इच्छाओं के लिए फास्ट रखा, परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं। आप प्रभु की महिमा के लिए रखेंगे, वो आपके लिए जो बेस्ट होगा आपकी झोली में डाल देगा। वो मांगो तो दिया जाएगा, इस वचन का आत्मिक मतलब है। ये नहीं आप कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको देगा। इसका मतलब है जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगेगा कि प्रभु मुझे हील कर, मैं तेरा काम करूंगा, मुझे पैसा दे, मैं तेरे किंगडम को सपोर्ट करूंगा, मुझे ऊंचा कर, मैं तेरे नाम की महिमा करूंगा, मुझे छुड़ा, मैं तेरी सेवा करूंगा, ये है उसकी महिमा के लिए मांगना। ये नहीं है प्रभु हो गए 2 महीने बैठते चा कहा मैनू मैं जावा पा वो आप लेके आवा, कितनी देर तक मुंडे नु कहूंगा, हां पता नहीं क्या इन होर ब्रांड का सी लै होर आंदा है रोज, कद तक प्रभु मैनू चक दे हूं, मैं आपे लेके आवा रोज। क्या प्रभु उठाएगा उसको? प्रभु बोलेगा क्या करने के लिए उठाऊं? पौआ पीने के लिए? इधर ही रह तू। हालेलुया। उसकी महिमा के लिए मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे उठा, मुझे प्रीच करना है, पड़ोसी अभी पड़ा है, रिश्तेदार पड़े हैं, बोलेगा आ उठ चल। आमेन। चर्च में मैंने देखा है एक लंगड़ा हील हुआ, लंगड़ा हील हुआ, शाम को वो ठेके पर था बिना फोड़ियों के। इमेजिन करो आप, वचन कितना जरूरी है लोगों को देना। लंगड़े की बात कर रहा हूं, छोटी मोटी बीमारी की बात नहीं, लंगड़े की बात, फोड़ियों में आया, हील हुआ, शाम को ठेके पर देखा लोगों ने, विश्वासियों ने। बंदा कहने लगा क्या बात है पाजी, आज बिना फोड़ियां तो? हाँ हाँ वह ठीक हो कैसी है, ताई जल्दी आ गए आज, आज थोड़ दे 2 पैक नाल एक्स्ट्रा दे दे, अदिया दे दे आज। कहां परमेश्वर की महिमा? वो आपको हील करता है अपनी ग्लोरी के लिए। आप जब उसे करते हैं आप ब्लेस होते हैं, आप ब्लेस्ड हैं आज, आज के दिन आप आशीषित हैं, आज के दिन आप ब्लेस्ड हैं अपने परिवारों समेत, आज के दिन बंधन टूट रहे हैं परिवारों समेत। आमीन हो जाए, बरकत आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस।
हिलाओ 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 अपने हाथों को। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।